एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 कॉनिक सेक्शंस, इसमें है कोऑर्डिनेट निकालना है फोकस का, एक्सिस निकालना है पैराबोला का, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x आपको पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, वाई इज इक्वल टू 12, एक्स इसको सीधा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेट कर दीजिए, यानी कि 4a जो है वो 12 होगा, 4a 12 होगा, यानी कि a इक्वल टू 3। तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस होता है a0, क्योंकि ये x एक्सिस की बात हो रही है, इसकी एक्सिस x है, y इज इक्वल टू 4ax है इसलिए, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इक्वेशन इन्वॉल्व वाई स्क्वायर, दैट मीन्स द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द x एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस a, यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि a जो है दैट इज 3, यहां से हमने निकाला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, दैट इज 4 इंटू 3। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, इसमें भी यही बात है, आपका फोकस है, एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, इसकी इक्वेशन दी हुई है, x ये देखिए x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से इक्वेट करिए, 4a इक्वल टू 6 हो गया, तो a आपका 3/2 आ गया, सीधी इसी बात है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0a होता है, क्योंकि यहां पर जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है दिस इज y एक्सिस, बिकॉज इट इन्वॉल्व एक्स स्क्वायर, तो 0a होगा, जैसे हमने पिछले बार a0 देखा था इसी के पहले वाले क्वेश्चन में, यहां 0a हो जाएगा, और जो बात पिछली बार हुई थी इस हिसाब से इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विल बी y इक्वल टू माइनस a, जैसे पहले बार x इक्वल टू माइनस a था, तो y आपका माइनस 3/2 हो गया, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम विल बी 4 इंटू ए, दैट इज 4 इंटू 3/2, और वो होता है 6। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, अगेन हमको यही बात करनी है, कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्सिस निकालना है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स आपकी इक्वेशन है, इसको सीधा आप माइनस 4ax से वो करें, इक्वेट करें, क्योंकि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सिस नेगेटिव, यानी कि द पैराबोला इज ओपनिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, कुछ इस तरीके से होगा ये, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इसको इक्वेट करिए, माइनस 4a विल बी माइनस 8, a इज इक्वल टू 2, आपका ये आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस हो गया माइनस a 0, और यहां पर आप माइनस a 0 करेंगे, क्योंकि इक्वेशन इन्वॉल्व्स y स्क्वायर, इसका मतलब एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज दिस x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इक्वल टू a, नॉट x इक्वल टू माइनस a, बिकॉज दिस इज माइनस, तो x 2 हो गया, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हम 4a बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, अगेन इसमें भी यही चीज है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14y दिया हुआ है, फोकस निकालना है, एक्सिस निकालना है, इक्वेशन निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, सीधा इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay से इक्वेट कर दें, तो माइनस 4a आपका माइनस 16 आएगा, तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट इसका फोकस का होगा 0 माइनस a, ध्यान दीजिएगा 0 माइनस a, जैसे यहां पर माइनस ए जीरो था, यहाँ पर जीरो माइनस ए आएगा, और ए की जगह आप सीधा ये रख दीजिए, तो माइनस 4 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विल बी वाई इज इक्वल टू ए, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विल बी वाई इक्वल टू ए, यानी कि वाई इक्वल टू 4, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम विल बी 4 इक्वल टू 16, ए हमारा 4 है इसलिए 16 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 10x, इसमें भी ये सब करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वेशन और लेटेस्ट रेक्टम, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10ax इक्वेटेड विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सीधा 4a इक्वल टू 10 रखिए, a आपका 5/2 आएगा, और क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस होगी a 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सिंपल वही वाला चल रहा है जो सबसे पहला क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज का, तो a हमारा 5/2 आया, 0 ये आया, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स 6x इज इक्वल टू माइनस a, तो 4a लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, a हमारा निकल चुका है, जो वैल्यू हमने यहां पर रखी 5/2, दैट विल बी 10, 4a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उत्तर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फिर यही बात है, फोकस एक्सिस इक्वेशन और लेटेस्ट रेक्टम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y, इसको इक्वेट करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay से, माइनस 4a विल बी माइनस 9, दैट इज b इक्वल टू 9/4, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 माइनस a, यानी कि 0 माइनस 9/4, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू a, तो y आ गया, और 4a से मल्टीप्लाई करिए, a ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं,
9 बाय 4 मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 4 इक्वल टू 9। अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आया है, जो तक अभी तक 6 सवाल हमने किए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। फोकस इसका यह है, डायरेक्ट्रिक्स ये है। अब फोकस इनका मिला है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स ये है। अच्छा, फोकस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, यहां से एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। द एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, यानी कि आपका ये एक्स एक्सिस पैराबोला की है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज इधर ये बनेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, दो नहीं बन सकते हैं। ये भी देखा गया कि x इक्वल टू माइनस 6 है, यानी कि ये दिस इज टू द लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस, वाई द फोकस जो 6,0 है इज राइट टू द वाई एक्सिस, यानी कि पैराबोला सीधी सी बात है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, माइनस 4x नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां से हम देखें तो हमको ए 0 है ना, दिस इज ए एंड दिस इज 0, तो ए क्या गया 6, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, इसका उत्तर आ गया। अब यहां पर आया है क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। फोकस 0 माइनस 3 है और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3 है। अब फोकस जो है इट लाइज ऑन द y एक्सिस, इट इज सीन दैट x 0 है, y माइनस 3 है, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा या x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay होगा, ये तो बिल्कुल बनी बात है। अब इनमें से देखना क्या होगा। ऑल्सो इट इज सीन दैट द डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3, डायरेक्ट्रिक्स जो है अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, मान लीजिए y इक्वल टू 3 ये डायरेक्ट्रिक्स है, इज अबव द x एक्सिस व्हाइल द फोकस 0 माइनस 3, फोकस क्या है 0 माइनस 3 इज बिलो द x एक्सिस, ये यहां पर बिलो द x एक्सिस है। हेंस पैराबोला क्या होगा, कुछ इस फॉर्म का होगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये इस तरीके से, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay आ गया तो इसका मतलब आप इक्वेट करिए, इक्वल टू 3 आएगा, एक्स स्क्वायर विल बी माइनस 12y, क्योंकि आपको a की जगह बस वैल्यू रखनी है और ये पता लगाना है कि इन दोनों में कौन सा आ रहा है, बस ये आपको पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग वर्टेक्स इक्वल टू 0,0 फोकस 3,0। वर्टेक्स 0,0 है, फोकस 3,0 है, वर्टेक्स आपका पैराबोला 0,0 है, इसका मतलब फोकस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है इसका एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो गया, से तो एक क्लियर हो गया वर्टेक्स यहां पर हो गया, और जो इक्वेशन होगी वो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax होगी, और फोकस हमको 3,0 दिया है तो सीधा यहां से a जो है वो 3 निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax में रखिए, a की जगह 3 डालिए, वाई स्क्वायर इक्वल 12x आ गया। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, लेकिन यहां वर्टेक्स 0,0 है लेकिन फोकस -2,0 है, तो वर्टेक्स 0,0 है इसका मतलब ये तो पता है कि ये एक्स एक्सिस में है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इससे ये तो क्लियर हो गया। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, क्योंकि देखिए आपको ए यहां पर माइनस 2 मिल रहा है, फोकस विल इज एक वाई तो 0 है, एक्स एक्सिस में माइनस 2 मिल रहा है, इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x है ये चीज, तो फोकस आपको यहां पर क्या मिला, a विल बी 2 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x में रखेंगे इसको तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x आपका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। वर्टेक्स 0,0 है, पास कर रहा है 2,3 से और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, 0,0 है इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। इक्वेशन या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो सकती है या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax हो सकती है, अभी इसके बारे में पता नहीं है। पैराबोला क्या कर रहा है, 2,3 से पास हो रहा है विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए 2,3 से पास हो रहा है यानी कि यहां यहां से कहीं पास हो रहा है, यानी कि माइनस 4ax नहीं हो सकता, आपका यहां पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही होगा क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 3 रख दीजिए, आपको यहां पर a मिल जाएगा 9/8, सीधा वाई स्क्वायर इक्वल 4ax मिलेगी, रखिए ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और इसके बाद क्वेश्चन 12 में आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। वर्टेक्स 0,0 है, पास कर रहा है 5,2 से एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अगेन यहां पर वर्टेक्स 0,0 है, पैराबोला सिमेट्रिक भी है अबाउट द एक्स एक्सिस,
इक्वेशन जो होगी उसकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगी या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay होगी, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है. दिस इज द वाई एक्सिस, इसके सिमेट्रिक है. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो सकती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay हो सकती है. पास कर रही है 5-2 से. अब 5-2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी जैसे मैंने बताया था 2 और 3 वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये माइनस तो हो नहीं सकता, ये प्लस वाला होगा. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. यहां पर रखिए, आपको वैल्यू मिलेगी a की, दैट इज 25/8. द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में a रख दीजिए, आपकी इक्वेशन आपकी यहां पर आ जाएगी.